हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लासेस। आज का हमारा विषय है व्याकरण। तो जैसे कि हमारे टॉपिक में बात की गई है व्याकरण की, तो व्याकरण क्या है बच्चे? हमारी भाषा, चाहे जो भी हो, हमें अपनी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना चाहिए। जैसे कि उसमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, उसका शुद्ध रूप। इसके लिए भाषा के सही रूप की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण हमें सही जानकारी देता है, मतलब उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मतलब वाक्य के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि यह वाक्य सही है या गलत है। व्याकरण की परिभाषा क्या आ जाती है? वह साधन जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। हमारे इन वाक्यों में दिखाया गया है सुखबीर नाचते हैं, तो इसमें क्या हमें फील होता है कि यह शब्द गलत है। सुखबीर क्या है? सिंगल है, मतलब एक वचन है, और नाचते क्या आ जाता है? बहुवचन है। तो यह इसमें इसकी त्रुटि है ना, इसमें तो इसका सही इसमें अनुवाद क्या होगा? सुखबीर नाचती है, सुखबीर नाचती है, लड़की के बारे में कहा है ना, सुखबीर नाचती है। इसी प्रकार हमारे दूसरे वाक्य में आ जाता है विक्रम दौड़ रही है। विक्रम क्या है? लड़का है। तो ये क्या है? वाक्य गलत है ना, लड़के के अनुसार ये पुल्लिंग में आ जाता है। तो विक्रम दौड़ रहा है, ना कि दौड़ रही है। तो इसका सही शुद्ध रूप क्या आ जाता है? विक्रम दौड़ रहा है। और उसी तरीके से हमारा आ जाता है तीसरा वाक्य, शेरी पढ़ेगा। शेरी पढ़ेगा, तो इसके हाथ में इस समय किताब है, तो ये क्या है? पढ़ रहा है ना, पढ़ेगा नहीं। जो काम आगे वाले में होगा तो वो इसमें कैसे दर्शा सकते हैं? तो इसके अनुसार ही इसमें इसका शुद्ध रूप हो जाता है, शेरी पढ़ता है।